अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक मश्की सवाल है। यह हमारे पास क्या है? एक शनाख्ती कार्ड है। क्या है हमारे पास? एक शनाख्ती कार्ड। अब ये जो शनाख्ती कार्ड है ये भी चार जिलों से बना हुआ है। हम देखेंगे कि इसके चार जाविये और चार जिले हैं। अब हम इसका रकबा किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो बच्चों, हम हमारा जो तरीका है रकबा मालूम करने का वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा तरीका कौन सा है? एक सम जिला लंबाई वाला मुरब्बा। तो हम देखेंगे क्या इसके अंदर एक सम जिला लंबाई वाले कितने मुरब्बे समाएंगे। कार्ड में एक समजिला लंबाई वाले मुरब्बे एक दो तीन चार पांच, पांच एक लाइन में, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चार बीस। कितने मुरब्बे समाये बच्चों? बीस। तो हम लिख सकते हैं क्या इस शनाख्ती कार्ड का रकबा जो है वो बीस मुरब्बा सम है। शनाख्ती कार्ड का रकबा बराबर बीस मुरब्बा सम। प्यारे बच्चों और सरपरस्त हजरात, अस्सलाम वालेकुम। हम ये जो रकबा किस तरह मालूम करते हैं समझ रहे हैं? तो हम ये रकबा यूनिट की पहली मश्क का सवाल हल कर चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों, क्या हमारे पास है ये एक खिड़की। क्या है हमारे पास? ये एक खिड़की है हमारे सामने। इस खिड़की का रकबा कितना है? तो हमें यह देखना है क्या इस खिड़की का रकबा मालूम करने के लिए हम जो इकाई का इस्तेमाल करते हैं एक समजिला लंबाई वाले मुरब्बे का, वही इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे हम। तो हम इस खिड़की के अंदर देखेंगे क्या ये एक सम जिला लंबाई वाला मुरब्बा। तो ऐसे कितने मुरब्बे समाएंगे इसके अंदर? तो बच्चों, हम देखेंगे क्या इसके अंदर कितने समाये? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। इस खिड़की के अंदर बारह एक समजिला लंबाई वाले मुरब्बे समाये। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो खिड़की है तो खिड़की का रकबा बराबर बारह मुरब्बा सम। अब हम इस मश्क की तीसरी मिसाल हल करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास ये एक रुमाल है। क्या है हमारे पास? एक रुमाल। अब हम देखेंगे कि ये जो रुमाल है इस रुमाल का रकबा किस तरह मालूम करेंगे। तो ये रुमाल जो है इसका रकबा हम इस एक समजिला लंबाई वाला मुरब्बा इस्तेमाल करके मालूम करेंगे। तो ये एक समजिला लंबाई वाले कितने मुरब्बे इस रुमाल के अंदर समाये?
दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो इस रुमाल के अंदर एक समजिला लंबाई वाले नौ मुरब्बे समाए। तो हम बोल सकते हैं ये क्या रुमाल का रकबा नौ मुरब्बा सम।